करू नका, मी तुम्हाला दिवसभर करायचं आहे. हरिओम. आज यहाँ पुणे में बाबूजी की रिहाई और स्वास्थ्य की अनुमति के लिए यहाँ पे बाबूजी के भक्तों ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है. इसमें और भी संस्थाएं जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंगदल, उन्होंने भी सब सहयोग किया है. बापूजी को 11 वर्षों से जेल में रखा हुआ एक षड्यंत्र के तहत, माना कि बापूजी पर अन्याय हुआ 11 वर्षों पहले, लेकिन 11 वर्षों में एक दिन की भी बापूजी को पैरोल नहीं दी गई. यहां तक कि उनको स्वास्थ्य के लिए भी एक दिन की अनुमति नहीं दी गई. ये कहां का न्याय है? बड़े बड़े मर्डर जो करते हैं, बड़े बड़े घोटाला जो करते हैं हजारों करोड़ों के, उनको भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन बापूजी एक ऐसे संत जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए इतना बलिदान दिया. एक ऐसा भी समय था कि भगवा को भगवा के आतंकवाद के नाम से जाना जाता था. हिंदू अपने आप को हिंदुत्व कहने में शर्म महसूस करता था. सारा तंत्र एक हिंदुत्व के विरुद्ध था, लेकिन ऐसे समय पर भी हमारे एक संत थे जिन्होंने हिंदुत्व की आवाज उठाई, समाज में हमारे हिंदू समाज को जगा के रखा. ऐसे बापूजी हमारे उनका बलिदान को नकारा और उनके बलिदान को भुला करके आज बापूजी को थोड़ी भी राहत नहीं दी जा रही है. हमारी सरकार से और हिंदू समाज से यही मांग है कि बापूजी के स्वास्थ्य की उनको चिकित्सा दी जाए और बापूजी को जल्दी जल्दी रिहा किया जाए, जिससे कि हमारा भारत विश्व गुरु पद पर अतिशीघ्र पहुंच सके. हरिओम.